सो अगर आप आपके गाड़ी के टायर की पंक्चर की कंप्लेंट या डाउट किसी रोड साइड पंक्चर वाले के पास लेके जाते हो और पंक्चर निकालते टाइम या गाड़ी की हवा चेक करते टाइम अगर वो आपको बोले कि सर आपके गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ है क्या चेक कर लीजिए, और आप अगर हैंड ब्रेक चेक करने जाते हो तो माइट भी आपके साथ ही एक्सीडेंट हो सकता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टायर स्कैम्स, पंक्चर के स्कैम से है। पंचर के स्कैम्स बहुत सारे हैं ऑल ओवर द इंडिया, बट द कॉमन, जो मोस्ट कॉमन पंचर स्कैम है, जो साइड वॉल पंचर करने का स्कैम होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं या उसके रीजंस क्या है स्कैम के, उस बारे में बात करेंगे। सो अगर आप अपने गाड़ी का हैंड ब्रेक चेक करने गए तो आपके टायर पे साइड वॉल पे कुछ ऐसे पंचर आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई पंचर वाला बोले कि हैंड ब्रेक लगा है क्या चेक कर लीजिए, तो प्लीज़ हैंड ब्रेक चेक करने मत जाइए। इससे अच्छा आप टायर वाले को बोलिए कि आप जाके चेक कर लो। ये जो साइड वॉल के तीनों पंचर है, ये तीनों वो जो प्रिक करने का टूल होता है उससे वो प्लग करते हैं, तो उस हिसाब से ये जो साइड वॉल होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, उसके हिसाब से ये जो पंचर है ये वो हो जाते हैं। तो अगर ऐसे पंचर हो भी गए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो आपको उस टायर वाले से वहाँ से हवा भरवा के निकल जाना है। और मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोसीजर कैसी है। तो स्कैम के पीछे का मेन रीज़न क्या होता है कि उनको अपने पास जो चीप ट्यूब्स पड़ी हुई होती है वो आपके टायर में उनको डालनी पड़ती है, जिसके पीछे उनको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, माइट बी डबल ऑफ द अमाउंट, बिकॉज उसकी कॉस्टिंग, जो लैंडिंग कॉस्ट होती है मार्केट की, वो अराउंड 100 से 150 रुपये होती है। और वो सेम ट्यूब आपको 400-450 रुपये में बेचते हैं। फर्स्ट टाइम वो ट्राई करते हैं आपका साइड पंचर निकालने की, लेकिन साइड पंचर कभी भी इतनी आसानी से नहीं निकलता, तो फिर वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप उसमें ट्यूब डाल दें। उनके पास कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी अच्छी क्वालिटी की ट्यूब नहीं होती, अगर आप ऑब्जर्व करें तो। सो अगर आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाता है तो ये जो पंचर प्रिक करने का टूल होता है, आपको ये टूल यहाँ तक प्रिक करना है, और ये जो जाड़ा वाला स्ट्रिप रहता है आपको ये वाला यूज़ करना है ये पंचर निकालने के लिए। आराम से कम से कम 10,000 किलोमीटर तक ये पंचर चल जाएगा। मैंने अराउंड कुछ 15,000 किलोमीटर इसके ऊपर निकाले हुए हैं। और मोस्टली जो रोड साइड के जो पंचर वाले होते हैं उनको आप थोड़ा अवॉइड कर दो तो ज़्यादा बेटर है। अगेन वन मोर थिंग, जो लोग बोलते हैं नाइट्रोजन एक्चुअली वेस्ट है, तो ये जो मेरा टायर आप देख रहे हो जिसका चिपिंग हुआ है, तो 25,000 किलोमीटर तक मैंने एक्चुअली इसमें नाइट्रोजन भरा था, फिर कुछ रीज़न की वजह से मैंने उसको भरना बंद कर दिया था। तो मेन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे मैंने इसको भरना बंद कर दिया और रेगुलर हवा इसमें भरवाई, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो निकल गए हैं, जो चिपिंग हो गया, ये जो रेगुलर साइड है ये ओके टायर है, बट ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो ये पूरा लाइन में चिपिंग हुआ है। तो जैसे जैसे टायर गर्म होता है इसके छोटे छोटे टुकड़े निकलने चालू हो जाते हैं। तो जो लोग नाइट्रोजन अवॉइड करते हैं और यूज़फुल नहीं समझते, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो या अगर आप ओके भी ड्राइविंग करते हो तो भी नाइट्रोजन टायर को ठंडा रखने का काम करता है। और ये जो 120 या 140 रुपीज़ उन लोग जो लेते हैं ये आपकी टायर की लाइफ बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस है अगर आप आपके टायर का लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आप इन बिटवीन आपके ट्रैवलिंग के बीच में टायर में हवा फिलअप करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका टायर रन होता है तो जो ब्रेक्स की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है या जो टायर में हीट ट्रांसफ़र होती है उसकी वजह से हवा एक्सपांड हो जाता है, और जो आपका प्रेशर 32 रहता है फ्रंट टायर में या पीछे 30 रहता है, वो एक्सपांड होकर 40 PSI के आसपास चला जाता है। जब मशीन चेक करता है या डिटेक्ट करता है तो वो उसको कम कर देता है या उसको ओवर इन्फ्लेट कर देता है, या अगर मैन्युअली आप चेक करो तो वो 40 बताता है तो फिर वो 35 या 32 की तरफ लेके आ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो हवा कम हो जाती है, जब आप गाड़ी कहीं ला के रख देते हो या कहीं स्टॉप करते हो तो वो हवा सेटल होके कम हो जाती है। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे नाइट्रोजन या हवा ना भरे, आप जब ट्रैवल स्टार्ट करते हो 10 किलोमीटर के अंदर आप अपनी हवा को चेक कीजिए उसके पहले, या फिर आप पूरा स्टॉप लेने के बाद जब टायर ठंडे हो जाते हैं, ब्रेक ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने टायर का प्रेशर चेक कीजिए। तब तक आप अपने टायर का प्रेशर मत चेक कीजिए।
इन बिटवीन ट्रैवल में अगर आप टायर प्रेशर चेक करते हो तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने मेरे गाड़ी के टायर कैसे चूज़ किए या साइलेंट टायर कैसे चूज़ करते हैं, टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल, तो आपको अगले वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये सब स्कैम से पब्लिक बच सके। तब तक के लिए